आपको पता है सीटेट का रिजल्ट जो है वो 10-15% ही क्यों आता है, मतलब 10 से 15% रिजल्ट ही क्यों आता है, इससे पहले इससे कम भी आता था, मतलब 80 से 85% लोग फेल हो जाते हैं सीटेट के एग्जाम में। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि भाई 10 से 15% लोग ही ऐसे होते हैं जिन्हें एग्जैक्टली पता है कि सीटेट की तैयारी हमें कहां से करनी है, और उन्हें प्रॉपर गाइडेंस मिल जाते हैं और वो इस चीज को समझ लेते हैं कि उन्हें किस तरह से तैयारी करनी है, और वो करते हैं और वो पास हो जाते हैं। तो भाई आपको भी समझना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास में भी बहुत सारे कमेंट्स और बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं अभी भी, और काफी लोगों के कमेंट्स ऐसे हैं जिन्हें ये नहीं पता कि हमें तैयारी करनी कहां से, मतलब ये मैसेज आते हैं सर ये बता दो तैयारी करें कैसे, उनके पास टाइम भी है प्रॉपर, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास टाइम की कमी होती है, लेकिन उनके पास टाइम भी है फिर भी उन्हें ये नहीं पता कि तैयारी हमें शुरू कहां से करनी, मतलब 3 महीने का जो टाइम है वो ऐसे निकल जाता है कि हम ये सोचते सोचते कि तैयारी कहां से शुरू करें, कौन सी बुक पढ़े कौन सी ना पढ़े, कौन सा मटेरियल पढ़े कौन सा ना पढ़े, और क्या मतलब सीटेट में आता है एग्जैक्टली। सीटेट का एग्जाम होने के बाद भी अगर कुछ स्टूडेंट्स से पूछोगे तो उन्हें ये भी नहीं पता कि सिलेबस क्या है और आपका पेपर जो आता है वो आता कहाँ से, तो भाई कैसे सीटेट पास हो जाएंगे ये समझो। तो इस वीडियो में फिलहाल हम यही बात करने वाले हैं कि सीटेट की पूरी रणनीति क्या रहेगी, कहाँ से आपको तैयारी करनी है, किस तरीके से करनी है, और आपको ये भी बताऊंगा कि आपको मटेरियल कहाँ से मिलेगा, स्टडी मटेरियल किस तरह से पढ़ना है, क्या चीजें करनी है, पूरा गाइडेंस आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें और लास्ट तक जरूर देखें, और अगर आप नए हैं चैनल पर तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो। अगर आप ये सोच रहे हैं कि देख के बाद में सब्सक्राइब करेंगे, मतलब वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करेंगे, पसंद नहीं आए तो सब्सक्राइब नहीं करेंगे, तो भैया आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और आप हमारे चैनल तक पहुंच चुके हो तो वापस मत चले जाना, आपकी गलती है, आपका ही नुकसान हो जाएगा, ये आपको बता रहा हूँ गारंटी से। सीटेट यूपीटेट जितने भी टीचिंग एग्जाम्स हैं, खासकर आपकी सीटेट की तैयारी इस टाइम चल रही है बहुत ही जबरदस्त, और इससे बेस्ट क्लासेस और तैयारी आपको कहीं नहीं मिलने वाली, पूरी कॉन्सेप्ट बेस्ड क्लासेस होती हैं। तो भैया जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, 1% भी आपका नुकसान नहीं होने वाला, 100% फायदा ही होगा। चैनल को सब्सक्राइब करो जल्दी से और बेल आइकन दबाना मत भूलना, क्योंकि नोटिफिकेशन उसी से आती है आपकी क्लासेस की, तो लाइव क्लासेस भी आपको मिलती रहेंगी चैनल पे प्रॉपर। चलिए फिलहाल करते हैं स्टार्ट। तो जो स्ट्रेटजी मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं, अगर आप ये पूरी स्ट्रेटजी और इस तरह से प्लानिंग करके और ये चीजें करके आप तैयारी करते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपको दुनिया की कोई ताकत सीटेट पास करने से नहीं रोक सकती। तो चलिए अब सुन लीजिए ढंग से, और बीच में स्किप मत करना बिल्कुल भी, लास्ट तक पूरी वीडियो देखना, ज्यादा लंबी वीडियो नहीं है, 5-10 मिनट की वीडियो है, आपकी लाइफ के 5-10 मिनट आज दे दो, यहाँ पे लाइफ चेंज हो जाएगी, बिल्कुल सही तरीके से बता रहा हूँ आपको बिल्कुल। चलिए बने रहे साथ में। सबसे पहला पॉइंट आपका ये है कि आपको अपना सिलेबस उठा के और उसको पढ़ना होता है, उसका पूरा रिव्यू करना होता है। उसमें भी सिर्फ देखने से मतलब नहीं है, सिलेबस देखने का मतलब ये होता है आपका कि कौन से टॉपिक्स आ रहे हैं, कौन सा सब्जेक्ट कितने नंबर का है, और उस सब्जेक्ट में कौन से टॉपिक्स कितने नंबर के आ रहे हैं, पूरा सिलेबस का आप रिव्यू करेंगे। जैसे कि हिंदी पैटर्न, हिंदी ही है तो उसमें कितने नंबर का पैडागोजी आएगा, कितने नंबर का ग्रामर आएगा, कितने नंबर का आपका जो है अनसीन पैसेज वगैरह आएंगे, वो सारी चीजें आपको समझ लेनी होती है। फर्स्ट थिंग होती है आपकी कि आप सिलेबस को समझ लें ढंग से। उसके बाद सेकंड स्टेप आपका होता है प्रीवियस पेपर, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर। ये मैं आपको स्ट्रेटजी बता रहा हूँ, ये आपको कहीं और नहीं मिलेगी, अगर आप सोच रहे हैं किसी किताब में मिल जाएगी तो नहीं मिलेगी, ये एक्सपीरियंस वाली चीजें हैं और मैं आपको एक्सपीरियंस से ही बता रहा हूँ। सेकेंड नंबर पे आपको प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को उठाना है और उसको चेक करना है, चेक करना है प्लस सॉल्व करना है। तो यहाँ पे आपको देखना क्या है, अब प्रीवियस पेपर में आपको ये देखना है कि जो आपका सिलेबस आपने पढ़ा है उस सिलेबस में से किस टाइप के क्वेश्चंस आपके क्वेश्चन पेपर में आते हैं, कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे कि मान लीजिए जीन पियाजे आपका एक टॉपिक है, जीन पियाजे की थ्योरी, उससे आपके 2-3 क्वेश्चंस गारंटी से बन जाते हैं। दूसरी भी थ्योरीज है, कॉलवर की है, वाइगोट्स की, उनसे एक एक ही क्वेश्चन बनता है। तो आपको पता चल रहा है ना कि कौन सी चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सी कम इंपॉर्टेंट है, और कौन सी हमें पढ़नी ही है, और टाइम की कमी के कारण हम कौन सी चीजों को स्किप भी कर सकते हैं। सारा रिव्यू आपको गारंटी मतलब बढ़िया तरीके से करना है कि किस पैटर्न के क्वेश्चन बन रहे हैं, किस लेवल के बन रहे हैं, कौन सा टॉपिक से कितने नंबर का आता है और किस प्रकार के बनते हैं, वो सारा कुछ देख लेना है। उसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पे एक बार एक पेपर को सॉल्व करके भी देख लेना है कि हम किस लेवल पे हैं, यानी कि हमें पता चल जाएगा कि उस पेपर के अकॉर्डिंग हम किस लेवल पे हैं और हमें कितनी तैयारी की जरूरत है। सिंपल। अगला जो स्टेप होता है आपका वो होता है आपका स्टडी मटेरियल, यानी कि अब आपको पता चल चुका है कि हमारा पेपर जो है कैसा आता है, कौन सा सिलेबस है, सारी चीज है।
उसके बाद आपको स्टडी मटेरियल तैयार करना होता है या आपको जहां से भी सर्च करना है, सारी बुक्स वगैरह हो गई या आपके नोट्स हो गए, या आप यूट्यूब से पढ़ रहे हैं, क्लासेस ले रहे हैं, जैसे कि हमारे चैनल से आप लोग पढ़ रहे हैं, क्लासेस मिल रही है आपको, सारी चीजें मटेरियल भी मिल जाता है, तो वो सब चीजें आपको ढूंढनी होती है। अब ये मिलेगा कहां से वो मैं आपको अभी लास्ट में बताऊंगा। उसके बाद में जब आपको स्टडी मटेरियल आपके पास कंफर्म है कि मेरे पास जो है ये चीजें हैं और मुझे ये चीजें तैयार करनी है, मतलब वही है कि जैसे कि आप खाना बनाते हो तो खाना बनाने से पहले आपके पास में सारी सामग्री उपलब्ध होनी चाहिए। अगर आपके पास सारी सामग्री नहीं है और बीच में कोई चीज स्किप हो गई और आप उसको लेने भागोगे तो आपका भैया खाना खराब ही होना है, बनना नहीं है फिर। इसलिए आपको सारा मटेरियल, सारी चीजें पहले प्रॉपरली आपको आपके पास में होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि हमें कौन सी चीजों की आवश्यकता पड़ सकती है। उसके बाद आपका नेक्स्ट जो स्टेप होता है वो होता है स्टडी एंड प्रैक्टिस, यानी कि जब आपके पास स्टडी मटेरियल आपके पास मिल चुका है और आपको पता, सोर्सेज आपको पता चल चुके हैं कि मुझे कहां कहां से तैयारी करनी है, उसके बाद में आपको स्टडी स्टार्ट करनी होती है और उसके बाद में आपको प्रैक्टिस साथ में, मतलब स्टडी प्रैक्टिस का मतलब ये है कि आप जिस चीज को स्टडी कर रहे हो तो उसको प्रैक्टिस भी करो। जैसे कि आपने एक थ्योरी पढ़ी, मान लीजिए बायोलॉजी की थ्योरी पढ़ी थी, एक बार में आपको हमेशा के लिए याद नहीं रहेगी, आपको उसे प्रैक्टिस करना पड़ेगा दो बार तीन बार। जैसे कि आज पढ़ी है, दो दिन बाद फिर से उसको रिविजन करो, फिर चार दिन के, फिर एक हफ्ते के बाद देख लो उसको फिर से। इस तरह से आपको मतलब स्टडी और प्रैक्टिस वो आपके लेवल पे और आपके आईक्यू पे, आपके लर्निंग स्टाइल पर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से पढ़ाई करते हो। ये करने के बाद भैया उसके बाद लास्ट में फिर से आपका प्रीवियस क्वेश्चन पेपर आपको फिर से उठाना है। प्रीवियस क्वेश्चन पेपर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको इसको बार बार कह रहा हूँ। तो आपको क्या करना है, एक प्रीवियस क्वेश्चन पेपर की बुक खरीद लेनी है। प्रीवियस क्वेश्चन पेपर की बुक आती है मार्केट में, अवेलेबल है, तो वहां से आप खरीद लें उसको, क्योंकि इसकी जरूरत आपको सबसे ज्यादा पड़ने वाली है और ये आपके लिए सबसे ज्यादा बेनिफिशियल रहते हैं। तो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को अब आपको उठाना है फिर से जब आप स्टडी कर चुके हैं। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो मैंने आपको एक सर्कल बनाया है, इसको समझते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है, ठीक है। अब सॉल्व करने के बाद आपको रिव्यू करना है अपना पेपर, यानी कि आपने जो है उसमें आपने जितना भी टारगेट चुना था, जैसे कि आपने मान लीजिए 100 नंबर चुना है कि मुझे 100 नंबर लाने हैं, तो अब आप रिव्यू करेंगे कि मेरे कितने मार्क्स उसमें आ रहे हैं सॉल्व करने के बाद। उसको सॉल्व करने के बाद जब आप रिव्यू कर लेंगे, फिर आप नेक्स्ट स्टेप में फाइंड मिस्टेक्स, यानी कि आप अपनी गलतियों को ढूंढेंगे उसी पेपर में कि मेरे इतने नंबर आए हैं। जैसे कि मान लीजिए आपके 80, 90, 100 नंबर आ गए, तो बाकी के 50 क्वेश्चन तो आपके गलत हुए हैं, तो 50 क्वेश्चन जो है वो क्यों गलत हुए, गलतियां की होंगी आपने इसलिए गलत हुए हैं, या आपको जो है वो चीज आती नहीं होंगी इसलिए गलत हुए हैं, तो वो चीजें आपको ढूंढ के निकालनी है। बाकी 100 नंबर आपके कंप्लीट तैयार हो चुके हैं या 80 या जितने भी आपने करे हैं, उसके बाद में आपको ये रोकना होता है कि जो क्वेश्चन हम नहीं कर पाए हैं वो किस टॉपिक के हैं, क्या हमने वो टॉपिक पढ़ा था या नहीं पढ़ा था, और अगर पढ़ा था तो उसके क्वेश्चन गलत कैसे हो गए, तो इसका मतलब हमने ढंग से नहीं पढ़ा, उसमें कुछ ना कुछ कमी छोड़ी है। तो इस चीज को आपको समझना होता है। अगर ये स्टेप आप स्किप कर देते हो, ये सबसे बड़ा स्टेप होता है फाइंड मिस्टेक्स। ये मैंने आपको एक बार और बताया था, जैसे कि कुछ लोग हैं जो 3-3 सालों से पेपर देते आ रहे हैं सीटेट का, आज तक क्लियर नहीं हुआ, वजह क्या होती है, और ये भी है कि उनका सिर्फ 1 नंबर से 2 नंबर से 3 नंबर से ही रहता है। जैसे कि 90 पे पास है तो आपका या तो 70 या तो 88 रह गए, 89 रह गए, 87 रह गए, इस तरह से। तो वजह क्या हो रही है, आप हर साल उसी स्टेज पर पढ़े हो, यानी कि आप जो है अपने मिस्टेक्स को समझ नहीं पा रहे हो। अगर आप अपने मिस्टेक्स को समझ पाते तो जब भैया एक बार में आप 87 के लेवल पे हो, तो क्या अगले साल 3-4 महीने की या 5 महीने की तैयारी के बाद आप 3 नंबर इंक्रीज नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर रहे हो? क्योंकि आप मिस्टेक्स नहीं पकड़ रहे हो, आपको पता नहीं चल पा रहा है कि हम मिस्टेक कहाँ कर रहे हैं। अगर आप मिस्टेक पकड़ लोगे तो फिर आप और अगले स्टेप में, अगर आप यहाँ पे 87 पे हो ना, तो अगले स्टेप पे आप 120 पे दिखाई दे सकते हो, ये गारंटी है। एक बार आप मिस्टेक्स को ढूंढो, मिस्टेक्स आपको पता चल जाएगी, उसके बाद आपको स्टडी फिर से करना है, समझ रहे हो। उसके बाद भी स्टडी उन चीजों की करनी है जहां आपके क्वेश्चंस गलत हुए हैं, बाकी चीजों का तो सिर्फ रिविजन करना है, लेकिन जो आपकी मिस्टेक्स रह गई है, जो कमियां रह गई है, उनकी आपको फिर से स्टडी करनी है। स्टडी करने के बाद फिर से आपको प्रैक्टिस, जो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वो आपको फिर से सॉल्व करना है। फिर से सॉल्व करने के बाद अब आपको देखना है कि पहले हमारे कितने मार्क्स थे, इस बार हमारे कितने मार्क्स इंक्रीज हुए हैं। अगर आप अपने टारगेट पे अभी भी नहीं पहुंचे, फिर से सर्कल घुमा दो, फिर से रिव्यू करो, फिर से मिस्टेक्स ढूंढो, फिर से स्टडी करो, फिर देखो कि हम अपने टारगेट पे पहुंचे या नहीं पहुंचे। सबसे इंपॉर्टेंट होता है अपना टारगेट चुनना। टारगेट सबसे पहले चुन लेना, आपको नंबर कितने लाने हैं, आपको 120 लाने हैं या 100 लाने हैं या 90 लाने हैं, सिर्फ पास करना है। पहले टारगेट चुन लेना, उसके बाद में ये प्रोसीजर अपनाओ और तब तक करो जब तक आप अपने टारगेट को अचीव नहीं कर लेते।
इस तरीके से करने के बाद जब आपको लगने लगे कि प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में भाई हम 120 प्लस या 130 पे पहुंच चुके हैं, उसके बाद में नंबर आता है लास्ट में आपका प्रैक्टिस सेट का। प्रैक्टिस सेट सबसे बाद में होता है, पहले आपको जो है वही क्वेश्चन पेपर करने होते हैं जैसे कि आ रहे हैं, मतलब आपको जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है वो रियल में है कि यही पूछे जाते हैं, मतलब यही पैटर्न है, यही तरीका है, तो वो ओरिजिनल चीज है, उसको अगर आप सॉल्व करते हो तो आप ओरिजिनलिटी पे बेस्ड हो। उसके बाद में नेक्स्ट जो है आपका एग्जाम होगा उसमें कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत चेंजिंग होगा, प्रश्न होंगे चेंज होंगे, लेवल चेंज हो सकता है, थोड़ा सा तरीका चेंज हो सकता है, इसलिए आपको प्रैक्टिस सेट की जरूरत पड़ती है, क्योंकि प्रैक्टिस सेट में कुछ तो अलग होगा, तो जब आप प्रैक्टिस सेट करेंगे तो उसमें आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता चला जाएगा और आप सारी चीजों को समझते चले जाएंगे। तो ये आपका तरीका है जो मैंने आपको बताया है, पूरे इस स्टेप से इस तरीके से करो। अब आपको स्टडी मटेरियल के लिए क्या है कि स्टडी मटेरियल है ये आपको चैनल पे हमारे प्रॉपर्ली मिल जाएगा, कंप्लीटली सारी क्लासेस मिलेंगी, सारी लेक्चर क्लासेस मिलेंगी, लाइव क्लासेस मिलेंगी, सब कुछ मिलेगा। मटेरियल के लिए करना है अभी बताता हूँ। सबसे पहले आपको सीटेट डायरेक्ट की प्लेलिस्ट है चैनल पे, वो प्लेलिस्ट आपको देख लेनी है, उसके अंदर आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, सीटेट से रिलेटेड सारे गाइडेंस आपको मिल जाएंगे, उसमें आपको स्ट्रेटजी मिल जाएंगी, एक एक बुक का बता दूं उसमें पता है, मतलब बताया हुआ है वीडियोस में, तो बुक्स आपको पता चल जाएंगी कहाँ से पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, कितने घंटे पढ़ना है, स्ट्रेटजी, मतलब कंप्लीटली उसके अंदर आपको गाइडेंस मिल जाएगा, तो ये देखना है। दूसरी चीज हाउ टू सॉल्व पेडागोजी नाम की एक प्लेलिस्ट है, वो आपको देखनी है। इस प्लेलिस्ट के अंदर आपको जो है पेडागोजी सॉल्व करने की ट्रिक्स मिलेंगी, जैसे कि इसके अंदर ज्यादा नहीं है, सिर्फ 9 वीडियो है, शायद 9 या 10, तो इसके अंदर एक एक सब्जेक्ट की एक एक वीडियो है, जैसे कि हिंदी पेडागोजी की एक वीडियो है, इंग्लिश की एक वीडियो है, उसमें आपको टैग वर्ड्स और कुछ ट्रिक्स बताई गई हैं जो आपको मदद करेंगी आपका क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने में और आंसर ढूंढने में, तो उसको देखना है। तीसरी चीज, अगर आपको नोट्स चाहिए होंगे तो नोट्स हमारे पास आपको कंप्लीटली मिल जाएंगे, जो कि आपके मटेरियल स्टडी मटेरियल है, तो कंप्लीटली नोट्स मिल जाएंगे सीटेट के, उसके बाद जो है आपको मटेरियल ढूंढने की कहीं भी जरूरत नहीं पड़ेगी, उससे आपकी कंप्लीटली तैयारी हो जाएगी। उसके लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करेंगे 8532855503, व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, कॉल करने की कोशिश ना करें आप लोग, ना तो आपकी कॉल एक्सेप्ट होगी, उससे डिस्टर्बेंस अलग हो जाता है, तो इसलिए आप प्लीज कॉल ना करें, ओके। तो व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, बाकी चीजें आपको वहीं बताई जाएंगी। ये नोट्स आपके पैड हैं, तो इसके लिए थोड़ा सा पेमेंट है, वो आपको पे करना होगा, लेकिन ज्यादा नहीं है, तो वो वहीं पे बता दिया जाएगा। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है भाई, एक ये मैं आपको बता रहा हूँ कि जब अब आपको जो भी चीजें सर्च करनी है जैसे सीटेट के लिए, तो अभी जैसे आपका सीटेट दिसंबर 2019 आने वाला है, तो आप जो है जब YouTube पे कोई भी चीज सर्च करते हैं तो उसके आगे दिसंबर 2019 लिख के तब सर्च करो। जैसे कि अगर आपको हिंदी पेडागोजी देखना है तो आप करो हिंदी पेडागोजी फॉर सीटेट दिसंबर 2019, आप नॉर्मली ऐसे ही करते हो इंग्लिश पेडागोजी फॉर सीटेट सर्च कर लिया, लेकिन उसके आगे आप लिखेंगे इंग्लिश पेडागोजी फॉर सीटेट दिसंबर 2019, तो उससे आपको लेटेस्ट वीडियोस मिलेंगी और हमारी सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी आसानी से। तो ये चीजें हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, तो भाई बाकी ये है कि इस स्ट्रेटजी को अपना के आप एक बार तैयारी स्टार्ट करो, फिर देखो आपकी जबरदस्त तैयारी होती है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्लासेस अगर आपको लेनी है सारा आपको तैयारी कराई जाएगी कंप्लीटली, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा लेना, क्योंकि उससे नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। बाकी वीडियो को शेयर करो ज्यादा से ज्यादा, ताकि सभी लोगों तक फायदा पहुंच जाए, और जो लोग हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं भाई, तो सपोर्ट करते रहो, शेयर करते रहो, जो लोग नए जुड़ रहे हैं भाई, तो उन सभी का वेलकम है, और तैयारी बेस्ट तरीके से होगी आपकी। वीडियो शेयर करते रहो, लाइक करते रहो, कमेंट करके जरूर बताना कैसे लगी स्ट्रेटजी, कैसे लगी वीडियो, और जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, कोई डाउट्स है, कुछ पूछना होता है तो कमेंट बॉक्स में लिख दिया करो, उसको अगली वीडियो में हम आपका जवाब दे देंगे, आंसर कर देंगे, ओके। चलिए ठीक है, मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।